दिन के बज रहे हैं 1 और आप देख सकते हो वेदर 16 डिग्री 17 डिग्री चल रहा है अभी। आज हम लोग आ चुके हैं कोटागिरी में और अभी जस्ट सुबह से निकले हुए हैं और अभी जस्ट कोटागिरी पहुंचे हैं। टेम्परेचर ऑलमोस्ट यहां का वेदर होगा 16-17 डिग्री के आसपास। अभी थोड़ा धूप निकली हुई है और हम लोग जहां रूम पे रुके हुए हैं मैं आपको रूम एक्सप्लोर करता हूं। तो इस कॉटेज का नाम है मून शेडो कॉटेज जहाँ के हम रुके हुए हैं और ये कुछ इस तरह का फ्रंट और साइड व्यू है। बहुत ही प्यारा व्यू है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। फ़ैन एसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ, ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें अभी बस फ्रेश होके लंच करना है और लंच करने के बाद हम लोग साइट सीन करने जाएंगे। ये देखो ये फ्रंट व्यू है कुछ इस तरह का। तो ये है रिजॉर्ट। देखो क्या प्यारा सा गार्डन बना हुआ है, बड़ी सी पार्किंग स्पेस है और इतना बेहतरीन नज़ारा है ऊपर। ये बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है, टी गार्डन है। और ये कुछ फ्रंट व्यू ऐसा दिखता है। और अब हम लोग निकल रहे हैं साइट सीन के लिए। और एक बात बोलूं आपको, ये जो नज़ारा दिख रहा है ना यार, बस ऐसा लग रहा है कि यहीं बस जाओ। इतना पीसफुल लग रहा है, दूर दूर तक कोई पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है यार। देखो क्या प्यारा व्यू है। और ये समर का टाइम है, समर का, जून का महीना है और सोचो इतना प्यारा मौसम है यार। गजब का मौसम है और गजब का व्यू है। क्या शानदार जिंदगी है यार। हवा चल रही है और यहाँ हमारी गाड़ी फंस चुकी है। लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, अपन मौसम एंजॉय करते हैं। ये वेदर है। यहाँ पे कहीं वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, शायद वो वहाँ से आ रही है। वो वहाँ से नीचे जाते हैं और देखते हैं क्या है। बहुत नीचे है वो, उतना नीचे जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ से रास्ता है। ये कुछ लोग नीचे जा रहे हैं। ओहो तेरी, ये तो बहुत ज़्यादा नीचे है भाई। पानी मेरे ख्याल से वो पेड़ों के बीच में कहीं वो झरना है। चलो चलते हैं नीचे, चलते हैं। बहुत ज़्यादा स्लीपरी है। ये साइड का व्यू है। ये लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ये पीछे पीछे अपन भी चलते हैं संभाल संभाल के। लोग पेड़ पकड़ पकड़ के जा रहे हैं और इनके साथ साथ मैं भी नीचे जा रहा हूँ। नीचे बड़ा संभाल के चलना पड़ रहा है, पैर जमा जमा के चलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है बस। ये देखो वहाँ से मुझे रास्ता दिख रहा है, वहाँ से आया हूँ मैं। अभी और नीचे जाना नीचे है। नीचे लोग हैं। ऐसे ऐसे रास्ता है भाई, बड़ी दिक्कत है जाने में। तो पैर रुक नहीं रहे हैं, बहुत भुरभुरी सी मिट्टी है, बहुत डिफिकल्ट है। बट वीडियो दिखाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। वेट। ये भाई साहब हमारा रास्ता रोक दिए हैं, इनको आगे भागते हैं। रुको, इनसे आगे जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ लोग आते हुए दिख रहे हैं ऊपर से, वो वहाँ से आए थे हम लोगों ने। अभी और नीचे जाना है, वो कहीं पानी है। हाँ यहाँ मुझे पानी दिख रहा है और देखो ये पानी कहीं से बहते हुए आ रहा है, दिख रहा है पानी। और जाना कहाँ है पता नहीं, शायद ये रास्ता यहीं से होगा। चलते हैं आगे। ओ तेरी, ये तो रास्ता पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तो। अच्छा ये वाटरफॉल नहीं है,
पानी वगैरह इधर उधर से आ रहा है, उसकी आवाज आ रही है। यहाँ लोग कुछ लोग वीडियो वगैरह निकाल रहे हैं। अरविंद और वहाँ कुछ ऐसा स्लो दिख रहा है, शायद वहाँ झरना होगा। वाटरफॉल चाहिए अपने को तो। ओ तेरी, ये तो गजब है। अभी तो समर का टाइम है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, बट हो सकता है बरसात में तो ये एकदम बेहतरीन तरीके से बहता होगा। देखो कैसे स्टेप्स में पानी भरे हुए यहाँ पे, पूरा स्टेप्स दिख रहे हैं। देखो ये स्टेप्स, वो स्टेप्स, फिर वो स्टेप्स है, फिर वो वहाँ लोग, कुछ लोग वहाँ दिख रहे हैं। वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ से तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, उन लोग कुछ लोग वहाँ से जा रहे हैं, वो रास्ता से जाते हैं। इधर कैमरा शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं उस पार जाके वापस से शूट चालू करता हूँ। यहाँ रखे पैर। मुझे उस साइड जाना है, वो जहाँ बंदा खड़ा है वहाँ जाने के बाद मैं कैमरा ऑन करता हूँ। मैं नीचे तो आ गया हूँ, और आया कितनी दूर से हूँ, जो पीछे वो पहाड़ दिख रहे हैं वो उधर से। बड़ा मुश्किल रास्ता है नीचे आने का। अभी और नीचे जाना है, पानी गिर रहा है झरने का। अभी अपने को और नीचे जाना है। अब मैं बिल्कुल झरने के नीचे खड़ा हूँ, और ये देखो ये पूरा ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है। और जैसा बाहुबली के मूवी में दिखाता है ना, ऊपर से आता है, वो सब यहीं शूट हुआ है आसपास। तो भाई साहब, मैं बैठा हुआ हूँ नीचे से ऊपर आने के बाद, जो हालत ख़राब हो गई है। ये देखो वो जो दिख रहा है एकदम नीचे, ऐसे नीचे गए थे भाई। और वो पहाड़ों के, जो दो पहाड़ दिख रहे हैं, दो पहाड़ के बीच में हम लोग गए थे, और वहाँ झरना है। और अब बैठे हुए हैं थक के, अब तो ताकत नहीं है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस जाना है अब दूसरी जगह। तो भाई साहब ऐसा है ये सीन पूरा, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, नीले बादल, और ये चारों तरफ सिर्फ बाघ ही बाघ, टी गार्डन, और ये यूकलिप्टस के पेड़, और ये छोटी सी रोड जहाँ से दिन भर में कई गाड़ियाँ गुजरती है, और यहाँ की रोजी रोटी ऐसे ही चलती है। ये चारों तरफ जो भी है, चारों तरफ सब टी गार्डन ही, पूरा टी गार्डन से भरा हुआ है यहाँ हर रोज़। और देखो वहाँ जो छोटे छोटे थैले दिख रहे हैं सामने रखे हुए, वहाँ पे ऐसे डेली लोग पत्तियाँ तोड़ते हैं, और फिर यहाँ से अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई होती है चाय, जो कि प्रोसेस्ड होती है। फैक्ट्री भी यहीं सेटअप है, और यहीं से प्रोसेस्ड होके हम लोग जो घर में बैठ के जो चाय पत्तियाँ पीते हैं, चाय पीते हैं, वो सब यहीं के हैं। ये जितने बागान हैं चारों तरफ, जहाँ भी आप नज़र घुमाओगे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चाय के बागान ही बागान हैं। कई किलोमीटर का रेडियस है जहाँ सिर्फ चाय के बागान ही बागान हैं, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। ये छोटी सी रोड है और बस। और ये बहुत ऊंचा है, मेरे ख्याल से लगभग 900 से 1000 फीट के ऊपर में हम लोग अभी हैं। अब हम लोग कोटागिरी से निकल चुके हैं और जा रहे हैं ऊटी की तरफ, और रास्ते में हम लोगों को बहुत सारे मिस्ट दिख रहे हैं। ये देखो ये जो बादल दिख रहे हैं पीछे मेरे, ये दिखेंगे आपको, वो देखो उधर जो बादल दिख रहे हैं ये। तो भाई अपन आ गए ऊटी में, और ये ऊटी की सड़कें हैं, फुटपाथ। यहाँ आजू बगल में सब सारे दुकान हैं, कपड़े वगैरह के, चॉकलेट्स वगैरह के, और तो खास कुछ नहीं है। जितने हैं सब शॉप है यहाँ पे, चॉकलेट के और कपड़े के सब शॉप यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो ये है ऊटी का मेन चौक,
बस यहीं पे पूरा मार्केट है, आप यहाँ से सीधा चले जाओगे तो मार्केट है कपड़े के, जैकेट्स के, चॉकलेट्स के, बस बाकी कुछ अपन यहाँ खड़े ये मेन चौक। हाँ जी, तो अपन अभी आ गए कार के अंदर क्योंकि काफ़ी शोर था बाहर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नॉर्थ से या कोई भी इंडिया के कहीं से भी अगर आप ऊटी के लिए प्लान कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है कोयम्बतूर आप आओ, तमिलनाडु में बाई फ्लाइट आ सकते हो, बाई ट्रेन आ सकते हो। और वहाँ से आप जूम कार अगर आप खुद ड्राइव करना चाहते हो तो जूम कार बुक कर लो, और अदरवाइज आप बहुत सारे यहाँ पे ट्रैवल ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सारे पॉइंट्स वो घुमा देंगे। तो ऊटी में तो इतना कुछ खास नहीं है, मगर आपको अगर नेचर से नेचर का मज़ा लेना है, टी गार्डन है अपना, हील्स हैं, और जो वेदर है सुपर होता है। बट आज जो है बहुत ही, हम लोग जो रास्ते में थे काफ़ी ठंड लग रही थी, बट अब ऊटी पहुँचने के बाद यहाँ पर गर्म हो रही है, काफ़ी तेज़ धूप दिख रही होगी। तो दूसरा चीज़ ये है कि आप कोयम्बतूर से आधा घंटे की डिस्टेंस में एक पड़ता है मेट्टुपलायम, वहाँ से आप ले सकते हो ट्रेन, टॉय ट्रेन चलती है उसमें 58 सीटर समथिंग होती है। बट वो मैं तो आज ये तीसरी बार मेरा ऊटी और मुझे एक बार भी टिकट नहीं मिली वहाँ की। तो सबसे बेस्ट है अगर आप दो चार लोग आ रहे हो आओ, कोटागिरी है, ऊटी है, मेट्टुपलायम है, वेलिंगटन है, ये चार पांच जगह आपकी साउथ की कवर हो जाएगी, बेहतरीन जगह है, वेदर भी काफ़ी अच्छा होता है। कोई भी वेदर में आओ, कोई भी टाइम में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी टाइम हमेशा वेदर हमेशा अच्छा होता है यहाँ का। मैं तो कोशिश करूँगा जो हमारे जो महाराष्ट्र साइड के जो लोग हैं, विदर्भ साइड के लोग, उन लोग आप तो गर्मी में तो आप यहाँ आके रहो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है 50 degrees, 49, 50, 51 भी कभी कभी चले जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन जगह है रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और दूसरी चीज़ है वहाँ पे आप आओ, ऑनलाइन बुक करो कॉटेज वगैरह, और बस अपने हिसाब से देख लो क्या फ्लेक्सिबिलिटी है खाने पीने का रहने का, और आओ घूमो, एक बार तो ज़रूर घूमना।